हाँ जी, लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12th। हाँ जी बेटा, कल मैंने इसका वैसे हिंट आपको दिया था कि ये बताया था कि अगर हमने किसी शिप को या जो है अंडर वाटर स्ट्रीम्स जो होती हैं उनको बताना है कि आगे रॉक है, तो हमने एक लाइट का प्रोविजन रखा और उसमें क्या है, कलर्ड लाइट ने एक एरिया ऑफ सेक्टर कवर किया। और फिर मैंने यहाँ पर बताया बेटा कि जो डिस्टेंस है वो मेरा आर कैलकुलेट बन जाता है और एंगल जो है वो मेरा 80 बन जाता है। पाए की वैल्यू 3.14 दी है और मुझे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन, मतलब कितनी शिप्स को लाइट डाल के बताया जा सकता है। तो क्लियर कट है, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। तो आप डायरेक्टली बोलोगे एरिया रिक्वायर्ड दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 3.14, 16.5 स्क्वायर, थीटा इज 80 एंड 360, डिवाइड इट एंड गेट योर आंसर किलोमीटर स्क्वायर। एज द आर इज इन किलोमीटर सो आंसर विल बी इन किलोमीटर स्क्वायर। ओके जी, अब नेक्स्ट बेटा कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13th में बेटा मेरे पास क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 13, लेट अस सी। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया एक राउंड टेबल है, दैट राउंड टेबल कवर हैज सिक्स इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर, मींस दिस इज अ राउंड टेबल एंड सिक्स इक्वल डिजाइन आर देयर। ओके अब बेटा इक्वल डिजाइन में यहां पर डिजाइन है, यहां डिजाइन है, डिजाइन 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 एंड डिजाइन। अब बेटा देखिए व्हाट इज गिवन हियर, व्हाट दे हैव मेंशन, इफ द रेडियस ऑफ द कॉर्नर इज 28 सेंटीमीटर, दे राइट देयर कि मेरे पास हो गए रेडियस 28 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट ए रेट ऑफ जो है रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालनी है, मैं कॉस्ट तभी कैलकुलेट कर सकती हूँ अगर मैं पहले क्या निकालूंगी, एरिया। और √3 की वैल्यू दे मेंशन देयर कि 1.7 यूज हो। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखें कि हम डिस्कस कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर बेटा मैं देखूं, मैं एक डिजाइन निकाल लूं, वैसा कितने डिजाइन है, सिक्स से क्या कर लूंगी। अब ये जो डिजाइन है ये कैसा एरिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट बेटा। सेक्टर होता तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल भी आता साथ में, दिस इज सेगमेंट। मैं बार बार कहती हूँ, कॉर्ड के साथ आउटर सर्कल की बाउंड्री, कॉर्ड दिस इज कॉर्ड बेटा, कॉर्ड के साथ सर्कल की बाउंड्री को एरिया बना रही है, तो वो क्या होता है, सेगमेंट होता है। अब बोलो नव्या क्या कहना है बेटा। उसने मुझे कहा डिजाइन निकालो, तो मैं डिजाइन वाला एरिया पूछ रही हूं, डिजाइन वाला एरिया सेगमेंट है, अगर ट्रायंगल इंक्लूड हो जाती बीच में तो वो सेक्टर बनता, मैं ये कह रही हूं। ओके, मैंने सेगमेंट निकालना, एक सेगमेंट निकाल लूं और उसको क्या करूं, सिक्स से मल्टीप्लाई। अब सेगमेंट का एरिया मैंने आपको क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर थ्री थीटा ओवर 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर
साइन। आर मुझे पता है, रह क्या गया? अब सबसे बड़ी बात है थीटा निकालें। बेटा अगर देखो ये पूरा 360 है, मुझे ये निकालना है ये कितने पार्ट्स में, सिक्स में, तो 360 को किससे डिवाइड कर दें? ओके, तो दैट मींस मेरे पास सबसे पहले क्या क्या हमने कैलकुलेट किया, सबसे पहले आप मेंशन कीजिए थीटा आर। ओके, थीटा इज 360 बाय 6, आंसर इज 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, आफ्टर देन 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट लगाना है। वो कैसे लगाएंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सेंटर पे ट्रायंगल बन रही है ना, इसीलिए लगाए। अब सारी वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट कीजिए। 6 इंटू पाई की वैल्यू क्या दी थी? कोई नहीं दी थी ना, लगा लो 22/7। हाँ जी, 22/7 आई विल राइट ऑन द टॉप सो दैट इट विल बी विजिबल टू ऑल। ओके, आई एम रविंग दिस नाउ। 6 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, मेरे पास जो है 28 स्क्वायर, थीटा 60 ओवर 360 माइनस 1/2 28 स्क्वायर इनटू साइन 60। जब साइन 60 आपको पता कितनी होता है? √3/2। तो अब √3/2 में जब पुट कर रही हूँ, देखो एक स्मार्ट बच्चा पता क्या करेगा, 28 का स्क्वायर बाहर ले लेगा, उसका बेनिफिट क्या होगा? अपने आप वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, जो बचा उसको इजीली कैलकुलेट कर ले, जो कॉमन आता है उसको बाहर कॉमन जरूर ले लो, उससे कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है जी, अब 6 इंटू मेरे पास, मैं 28 का स्क्वायर कॉमन भी ले रही हूँ, ये 6 हो गया। ओके जी, अब मेरे पास यहाँ क्या बचा, 22/7 इंटू 1/6 माइनस 1/2 √3/2, और √3 की जगह मैं क्या लूंगी, सॉल्व कर लो सारा, यू विल गेट योर आंसर। एरिया आया, हेक्सागन का फॉर्मूला आता है याद है? फाइव साइड्स हैं हेक्सागन में, होती 6 साइड्स हैं बेटा। साइड्स का मेरा उससे क्या लेना देना आपको, या तो हेक्सागन का, अगर ये मेरे पास इक्विलेटर ट्रायंगल हेक्सागन में बनती तो मैं बेटा, हमने लोअर क्लासेस में फॉर्मूले किए हुए हैं, अगर आपको याद है तो आप सर्कल में से हेक्सागन का एरिया माइनस कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोवाइडेड आपको हेक्सागन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को याद है। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको, जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसमें सारा कुछ याद है तो हम वही अप्लाई कर रहे हैं, आप वो लगा लोगे गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ये तो एरिया आएगा, एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमने तो कॉस निकालनी है ना। अब आप क्या करोगे, आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.25, कॉस्ट ऑफ जितना आंसर आया 0.25 को, हाँ जी क्या 3.5 है, 3.5 लगा देते हैं जी, कॉस्ट है रुपीस और रुपीस में आज। ओके, सबको बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं? चलें आगे, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास जो है, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 14।
व्हाट इज रिटन इन दिस क्वेश्चन बेटा, इन द क्वेश्चन नंबर 14। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमारे पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आपने बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हूज एंगल इज, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है हूज एंगल, यानी थीटा दे दिया पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, आपको रेडियस जो है वो कैपिटल आर दिए। अगर ये दोनों चीजें होती तो मेरा फॉर्मूला होता पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, होता कि नहीं, यही होता। देखें कौन सी ऑप्शन हो रही है, अगर मैं पहली ऑप्शन देखती हूं पी टू पाई आर, हाँ जी बाय 180, ये कट गया, आंसर कितना आया पाई आर पी बाय 90, ये बन रहा है, क्रॉस ही लगा दो, वैसे भी आर स्क्वायर चाहिए बेटा, बेटा ऑप्शंस दी हुई है ना, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर है, मैंने जो निकाला ये आंसर होना चाहिए, मुझे ए ऑप्शन ये दी थी कि क्या ये बन रही है, मैंने 2 को 2 से कटिंग किया 90, ये तो मैच नहीं ना कर रहा, यानी वैसे भी मैं बिना सॉल्व किए भी देख सकती थी, यहां पर आर स्क्वायर है, यहां सिंपल आ रहा है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, ए वाली ऑप्शन हो ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट बी ऑप्शन, लेट अस सी, बी ऑप्शन में पी पाई आर स्क्वायर ऊपर तो मैच कर रहा है पर नीचे क्या दे दिया, ये भी ऑप्शन नहीं बन। लेट अस सी थर्ड, सी में भी आप देखो आर क्या है सिंगल, हमें तो आर स्क्वायर चाहिए, ये ऑप्शन भी हो ही नहीं सकती। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन पी टू पाई आर स्क्वायर बाय 720, जो हमारा आंसर बन रहा था बन रहा है डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके जी क्लियर, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सेम कॉन्सेप्ट लगना है, बट अभी हमारे पास क्या था, फिगर कोई नहीं दी होती थी है ना, अब उन्होंने क्या करती है पेपर में एक फिगर करके ना उसको शेड कर देते और कहते हैं शेडेड एरिया का पेरीमीटर निकालो, शेडेड रीजन का, एरिया का नहीं, शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालो, शेडेड रीजन का एरिया निकालो। अब हमने देखना है किस में से क्या माइनस करें या किस में क्या ऐड करें कि मेरा वो शेडेड रीजन आ गया। फॉर एग्जांपल इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स हमने निकालना, या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू फिगर्स। जैसे एग्जांपल मेरे पास जो है, लेट अस सी, मैं एक फिगर बनाती हूं, मुझे कहा शेडेड रीजन का ना पेरीमीटर निकालो, शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालो। अब बेटा अगर शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर होता क्या है, बाउंड्री। अब मैं देखूं शेडेड रीजन में कौन कौन सी बाउंड्री आ रही, सेमी सर्कल 1, सेमी सर्कल 2, सेमी सर्कल 3, बस बस गलत भी हो गया आपका, ये भी तो आ रहा है, ये भी तो आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो मेरे पास बेटा यहां पर बेसिकली हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ प्लस डायामीटर 1, डायामीटर 2, डायामीटर 3, हो गया। अच्छा अगर उन्होंने कहा है कि तीनों सर्कल्स बराबर है, मैंने कुछ बताया ही नहीं आपको,
मैं तो जनरल टॉक कर रही हूं, ओके अगर तीनों बराबर हैं तो एक को निकाल के कर दो थ्री टाइम्स, ये तो आपकी स्मार्टनेस है ना, ठीक है। अब एरिया, एरिया निकालना है, सेमी सर्कल वन, सेमी सर्कल टू, सेमी सर्कल थ्री, तीनों को क्या कर दें प्लस। एक और फिगर बताती हूँ, फाइंड द, वेट वेट वेट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। एक ओके, कौन सा वाला, बड़ा वाला, लो जी, फिर छोटे वाले दो हैं नीचे के नीचे ऊपर, अच्छा ये भी सेमी सर्कल की बाउंड्री आ गई, अच्छा नीचे वाला भी ले लिया मैंने, मैंने पेरीमीटर बोला बेटा, और लाइन भी आएगी रॉन्ग, क्योंकि ये एरिया हो गया बीचवा, मैंने तो शेडेड रीजन की बाउंड्री लेनी थी, शेडेड रीजन यहां से होकर यहां जा रहा है, ये आ रहा है, इसमें लाइन कहीं आई तो कैसे। हाँ जी, एक एक मिनट, लेट मी डिस्कस वन बाय वन बेटा, डिस्कस वन बाय वन। हाँ जी नवे, पहले आप बोलो आपका क्या बेटा। सेमी सर्कल यहां पर लाइन के साथ मैंने कोई शेड किया, कहां किया, नहीं किया, तो कैसे आएगी, यही चीज आपको समझा रही हूं मैं। शेडेड रीजन, शेडेड रीजन यहां है बेटा, और इस लाइन में वो शेडेड रीजन अंदर आ रहा है, बाउंड्री तो बेटा ये लाइन की बाउंड्री तो इधर ही आ गई ना, आ गई कि नहीं आ गई, तो फिर यहां तक समझ आई। हाँ जी, किसी और को डाउट विवान। अब बात अगर होती एरिया की, अब एरिया देखो कैसे करेंगे, अच्छा पहले आपने कहा ये बड़े वाले, ये एरिया आया बड़ा वाला, इसमें से ये छोटे वाला माइनस कर दिया, हाँ नीचे वाला क्या करना है यहाँ प्लस। मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 99% जब पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस निकालने को कहा होता है ना, बहुत रेयर होता है कि माइनस हो, बहुत रेयर, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जज किया, एरिया में बड़े में से छोटा माइनस हो सकता है, लेकिन पेरीमीटर में ना हम कभी नहीं कहते कि बड़े सर्कमफ्रेंस से छोटे वाला सर्कमफ्रेंस माइनस कर, क्योंकि दैट इज अ बाउंड्री, वो ऐड ही होगी, बाउंड्री मर्ज नहीं होती, हो सकता है चांस, बट आज तक मैं जब भी क्वेश्चंस करते आई हूं तो उसमें कभी भी सर्कमफ्रेंस माइनस नहीं होता, सर्कमफ्रेंस हमेशा क्या होता है, ठीक है, हो भी सकता है किसी क्वेश्चन में कुछ आपने इस तरह से किया हो कि उसमें कुछ पार्ट माइनस करना हो, किसी बच्चे ने क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस निकालना था, है ना, उसने सेमी सर्कल में से ना कुछ पार्ट माइनस कर दिया, तो तब हो सकता है कि उसने माइनस करके किया, बट मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर में माइनस के बिना हम कर सकते हैं, एरिया में माइनस हो जाता है, इसीलिए मैं आपको तब कह रही थी कि एरिया में आपने आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल मतलब स्मॉल सर्कल किया, बिगर माइनस स्मॉल, लेकिन सर्कमफ्रेंस में बाउंड्री होती है, बाउंड्री बढ़ती है तो वो क्या होगी, एड ही होगी। हाँ जी दक्ष, अब बताइए बेटा, रेडी, आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल, ऑब्वियस है वहां कुछ ना कुछ रेडियस दिया होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ रेडियस बताया होता है, मैं तो आपको अभी ये बता रही हूं बेटा हम कैसे सोचते हैं कि प्लस करना है एरिया, माइनस करना है, सर्कमफ्रेंस ऐड करनी है, आई एम टेलिंग यू जस्ट इंट्रो ऑफ दिस टॉपिक, ओके ये जर्नलाइज बात हो रही है, मैंने कोई वो नहीं,
जब तक रेडियस डायामीटर की तो बात की बात है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कौन सा एयर प्लस माइनस करना है, ये समझ आएगी तो रेडियस को डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे को यही नहीं पता कि यहां से दिल्ली जाना है कि कलकत्ता जाना है, वो रेलवे स्टेशन पे जाकर टिकट क्या खरीदेगा? जीरो। सेम ईयर अगर हमें यही नहीं पता कि क्वेश्चन में हमने एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, तो जनरलाइज टॉपिक वी आर डिस्कस। ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको क्लैरिटी होगी, सब कुछ दिया होता है क्वेश्चन में, कुछ नहीं किसी ना किसी फॉर्म पे। लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज 12.3। हाँ जी, अब एक्सरसाइज 12.3 में बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फिगर कैसी बनी है देखिए ध्यान से। सबसे पहले वी ड्रॉ द फिगर आर क्यू पी, दिस इज शेडेड रीजन। यहां पर भी लाइन बनी हुई है बेटा, ड्रॉ इट प्रॉपरली। और ये भी शेडेड के नीचे ही आती है, कवर होता है सारा। अगर आपकी बुक में नहीं है तो ड्रॉ इट। ओके, पेज हमारे पास है 234। ओके, अब बेटा देखिए उसने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, व्हेन पी क्यू, ये साइड मेरे पास 24 सेंटीमीटर दिए। अब उसने कहा पी आर 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सब कुछ बाद में करना है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए किस में से क्या माइनस करना सबसे पहले। हाँ जी रणबीर, नहीं परमवीर, हाँ जी वो क्या है, हाँ जी गांधी इस साइड पे, हाँ जी परमवीर फिगर को देखिए किस में से क्या माइनस करूं कि मेरा शेडेड रीजन बच जाए। नहीं जरूरत, दो क्या है कैसे निकालूं, ये पोर्शन में कैसे निकालूं, सेगमेंट सेगमेंट के लिए सेक्टर बनना चाहिए आपके पास। ये ऐसे मैं ज्वाइन कर लूं, ज्वाइन कर लिया, मेरे पास थीटा है कोई, पूरा एंगल 90 का है, पूरा ये 90। बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं दक्ष, लेट मी एक्सप्लेन। आप बीच में बोलते हो ना बेटा, गलत बोलते हो तो ऑनलाइन बच्चों को गलत सुनेगा कि मैम कह रहे हैं। हाँ जी ध्यान से सुनिए, ये पूरा एंगल 180 है, ये पूरा 180 है। अगर आप कहते हो इसको ज्वाइन कर दो, ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, ये 90-90 कैसे हो जाएगा बेटा। हाँ जी मैं वही तो कह रही हूं, मुझे नहीं पता ना तो मैं सेक्टर वाला किसी हालत में यहां कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकती। आप सोच रहे हो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही, देखो ये डायामीटर है। कैसे पता चला मुझे डायामीटर है, क्योंकि ओ उसने सेंटर बोला, डायामीटर है तो ये पूरा यहां तक मेरे पास क्या हो गया, सेमी सर्कल। मुझे सेमी सर्कल पता चल गया, ये लीजिए इतना, और सेमी सर्कल मैं निकाल पाऊंगी अगर मुझे रेडियस पता चल गया। अब मेरे दिमाग में क्या आता है, अगर बेटा ये डायामीटर है, हमने नाइन्थ क्लास में ये किया हुआ है, डायामीटर के एंड पॉइंट्स कहीं भी जाके मिले, ये मिल रहे हैं तो एंगल कितना बनाते हैं 90। तो मेरे पास यहां पर बेटा एक चीज क्या पता चल गई कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस पता है, इसकी हाइट पता है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं एच निकाल सकती हूँ। वो जो एच है वो सर्कल का क्या है,
डायमीटर, रेडियस आ गया, आर की टेंशन खत्म, यानी सेमी सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं। उसमें से मुझे कहा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है। अब जरा ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है इसका बेस 7 है, मेरे पास हाइट 24 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? यहां पर मैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वाला नहीं लगा सकती, मैं सिंपल, तो मुझे पास बेस भी है, मेरे पास हाइट भी है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकती हूँ कि नहीं? अब देखो, इस सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगी, शेडेड रीजन आ गया कि नहीं? अब आपको पता है आपने दिल्ली जाना है, आप सब कुछ निकाल सकते हो, यानी एक दिमाग में स्टेप बाय स्टेप पहले तुम्हें पता होना चाहिए तुमने करना क्या है, क्वेश्चन को देख के पहले करो कि क्या चाहिए, फिर उसको अटेम्प्ट करो। ओके बेटा, सबको समझ आ गई कैसे सोचा? शुड वी डू इट? चलें, चलिए। फर्स्टली आप लिखोगे, हां जी दक्ष बोलिए। कहां सेक्टर बन रहा है बेटा? बेटा सेक्टर तुम उल्टा देख रहे हो, सेक्टर जो बनता है ना रेडियस से बाउंड्री के साथ। मुझे बताओ यहां कौन से दो रेडियस बन रहे है ही नहीं, इसीलिए बार बार मैं कहती थी एरिया ऑफ सेक्टर दो रेडियस और सर्कल की बाउंड्री। ये कह रहा है मैडम ये सेक्टर बन रहा है, यही सेक्टर तुम कह रहे हो ना, मुझे बताओ कौन सा रेडियस है इसमें? एनी रेडियस इज देयर? बाउंड्री सर्कल की आ रही है, सेक्टर है ही नहीं बेटा। अब बात समझ आई? अगर ये यहां से ऐसे जुड़ता ये सेक्टर होता, ये वो तो है ही नहीं। बात समझ आई? डाउट क्लियर कर रहे हो? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक जाना पूछता है तो बाकी सबको भी डाउट क्लियर होते हैं। बात समझ आई सबको बेटा? नाउ ऑल ऑफ यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन? ओके, पाइथागोरस थ्योरम से बेटा आपका डायमीटर बनेगा, वो एच जो है वो डी के इक्वल, तो पाइथागोरस थ्योरम एरिया कैलकुलेट करने को यूज नहीं होती बेटा, वो साइड कैलकुलेट करने को यूज होती है। आप यहां पर रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय टू माइनस हाफ बेस इनटू हाई। अब आपको ये सारी चीजें चाहिए, देखिए बी मेरे पास 7, एच पी मेरे पास जिसको आप एच कहते हो, यहां पर हाइट यहां मत लिखना 24। अब बात रहेगी रेडियस की, रेडियस निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं लगाऊंगी यहां पर बी आर क्यू स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कर लो तो यहां अंडर रूट कर लो, ये क्या बनेगी? डायमीटर। अब आपको क्या चाहिए? रेडियस, तो डी बाय 2। सारी वैल्यूज पता चल गई विवान? अब क्लियर हो गया? ओके जी, दिस इज योर होमवर्क एंड कंप्लीट योर प्रीवियस एक्सरसाइज आल्सो। ओके,